उत्व विसर्ग संधि का तीसरा नियम और लास्ट नियम। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज हम संधि का जो तीसरा प्रकार होता है विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि के दौरान हम विसर्ग संधि का जो तीसरा पार्ट है रुत्व विसर्ग संधि, जिसके बारे में हम क्या कर रहे हैं अध्ययन कर रहे हैं। आज हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे, रुत्व विसर्ग संधि के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो रुत्व विसर्ग संधि में क्या चीज़ परिवर्तन होती है, र परिवर्तन होता है, र वो भी कैसा हल युक्त र परिवर्तन होता है उसके बारे में हम बात पहले कर चुके हैं। लेकिन अब आपको क्या करना है, रुत्व विसर्ग संधि हेडिंग डालनी है और उसका परिवर्तन क्या करना है, र परिवर्तन करना है। तो जो साथी देरी से इस लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं उनका हार्दिक स्वागत फिर से कर रहा हूं। आपको बताइए रात की 9 बजे वाली क्लास में हम हाईकोर्ट LDC के लिए हम पढ़ा करते हैं व्याकरण। जितने भी साथी यहां पर जुड़ रहे हैं वो क्या करें, थम्स अप करें, जितने भी साथी हैं वो थम्स अप करें और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। रुत्व विसर्ग संधि का नियम है क्या, सीधा सीधा नियम मैं बता देता हूं, जब प्रथम शब्द के अंत में विसर्ग। अब देखिए लास्ट जो आपका उत्व विसर्ग संधि थे उसमें भी क्या था, विसर्ग थी। अभी मैंने क्या बोला, प्रथम शब्द के अंत में विसर्ग तथा द्वितीय शब्द के प्रारंभ में सघोष वर्ण आए, सघोष वर्ण आए तो वहां पर क्या कहते हो, कहते हो गुरुजी यहां पर तो दो संधियां होती है, एक तो उत्व होती है और दूसरी रुत्व होती है। तो आपको किस तरीके से उत्व विसर्ग संधि की पहचान करनी है और किस तरीके से आपको रुत्व विसर्ग संधि की पहचान करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, आप विसर्ग को यह कहोगे कि हमें उत्व बता कौन सी है और रुत्व बता कौन सी है। तो क्या करेंगे, इस विसर्ग के पास जाएंगे और विसर्ग क्या कर देगी, अपने से पहले वाले जो स्वर होता है उसके पास हमें डिपॉजिट कर देगी। ठीक है, अगर ए विसर्ग ए या आ विसर्ग जहां भी आपको ए विसर्ग, यहां से आपको केवल और केवल ए स्वर याद रखना, ए विसर्ग अगर आपको मिलती है तो वहां पर संधि कौन सी होती है, उत्व विसर्ग संधि होती है। ये हम लास्ट क्लास में अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। अब देखिए ऐसे कोई भी भिन्न स्वर, यहां पर आप लिख सकते हो ऐसे भिन्न स्वर, ऐसे अगर कोई भी भिन्न स्वर आता है उसके साथ में विसर्ग आती है और उसके साथ में सघोष वर्ण आता है तो मेरे साथियों क्या हो जाएगा, वहां पर रुत्व विसर्ग संधि हो जाएगी और इस विसर्ग का परिवर्तन क्या हो जाता है, रह वर्ण हो जाता है। क्लियर है ना, यानी अब इस कंडीशन में आपकी रुत्व विसर्ग संधि हो जाएगी। इस तरीके को आप अच्छी तरीके से समझ लेना, विसर्ग के बाद में अघोष यानी 13 आए तो वहां पर सत्व विसर्ग संधि, और सत्व विसर्ग संधि में क्या परिवर्तन कर रहे थे आप, ताल्लव्य मूर्धन्य और दंत्य से, और यहां पर उत्व विसर्ग संधि में आप इस विसर्ग का क्या परिवर्तन कर रहे थे, आप ओ परिवर्तन कर रहे थे। उसके बाद में जो ऐसे भिन्न स्वर आ जाए और उसके साथ में सघोष वर्ण आ जाए तो इस विसर्ग का परिवर्तन क्या करोगे, र वर्ण कर दोगे, र आप रेफ र के रूप में कर दोगे, चाहे वो र पूरा आए, यहां पर तो आपको आधा ही करना है लेकिन उसके बाद में अगर स्वर आता है तो इसके साथ जुड़ जाएगा और कोई भी वर्ण आता है तो इसके ऊपर बैठ जाता है। चलो इसके उदाहरणों की बात हम करेंगे, पहला नियम आप ये नोट कर लोगे। तो इसकी परिभाषा मैं एक बार पुनः बता देता हूं, जब प्रथम शब्द के अंत में ऐसे भिन्न स्वर के साथ विसर्ग तथा द्वितीय शब्द के प्रारंभ में सघोष वर्ण, सघोष वर्ण कितने 31 आए तो वहां पर विसर्ग का र परिवर्तन करते हैं, विसर्ग का क्या करते हैं, र परिवर्तन कर देते हैं। तो उसके बाद में देखिए उदाहरणों की बात हम करेंगे अभी। तो नियम आप अच्छी तरीके से पढ़ चुके हो, जान चुके हो कि नियम क्या है, तो नियम की बात हम कर लेंगे साथ साथ में। यहाँ पर मैं नियम दोबारा से लिख देता हूँ, ऐसे भिन्न स्वर, ऐसे भिन्न स्वर यानी आपके पास स्वरों की संख्या कितनी होती है हिंदी वर्णमाला में,
हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या होती है वो 11 होती है, लेकिन ए स्वर आपको निकालना है और अन्य जितने भी 10 स्वर बस जाते हैं। इसके साथ आपको विसर्ग देखनी है और विसर्ग के बाद में आपको क्या देखना है, सघोष वर्ण, और सघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है, सघोष वर्णों की संख्या आपकी 31 होती है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा आप याद कर लेना। अघोष वर्णों की संख्या 13 होती है, ये सीधा सीधा याद आप कर लेना। और इस तरीके से अगर आपका ये जो विसर्ग आ जाए तो इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, बदल दोगे आप, रे में बदल दोगे। ठीक है, चलो कुछ उदाहरणों की बात हम करें तो उदाहरणों को मैं बता देता हूँ आपके। निधन आशा, सबसे ज़्यादा इसमें आपके जो उपसर्ग होते हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर मिलते हैं आपको। दू धन जन, आशी धनवाद। उसके बाद में नेक्स्ट उदाहरण की अगर हम बात करें, बही धन मुखी। उसके बाद में और उदाहरणों की बात करें हम, वही धन आगत। और उसके बाद में दू धन आगत, और एक उदाहरण और देखूं मैं आपको बताऊं कि दू धन उपयोग। एक बार हम इतने ही उदाहरणों को यहाँ से हल करने वाले हैं, उसके बाद में कुछ और उदाहरणों को हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में देखिए एक उदाहरण यहाँ से और लिख देता हूँ मैं, दू धन गति। तो इस तरीके से दू विसर्ग धन गति। अब देखिए मैंने क्या कहा है, सबसे पहले आपको क्या देखनी है, सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर आपको विसर्ग और ऐश्वर आ रहा है 3 नंबर, इस तरीके से विसर्ग के बाद में जय आ रहा है 3 नंबर, विसर्ग के बाद में ब आ रहा है 3 नंबर, और विसर्ग के बाद में ग आ रहा है 3 नंबर। यानी जब भी आपको अघोष वर्ण मिलता है तो उसके ऊपर आप सत्व विसर्ग संधि में 1 नंबर लगा रहे होते हैं, और उसके बाद में अगर आपको सघोष वर्ण मिलता है तो उत्व और रुत्व में दोनों में क्या लगाते हो आप, 3 नंबर। अब आप कहोगे गुरुजी हमने 3 नंबर लगा दिया, तो आपका काम क्या है, विसर्ग से पहले आप क्या देखोगे, ई और विसर्ग, यहाँ से ऊ और विसर्ग, यानी आपको अविसर्ग छोड़ देनी है, अविसर्ग उत्व में चली जाएगी। यहाँ पर ई धन विसर्ग, बड़ी ई की मात्रा है, यहाँ से ऊ धन विसर्ग मिल रही है। आपका जो परिवर्तन है वो किस तरीके का रहेगा। अब मैंने क्या बताया कि यहाँ पर जो विसर्ग आई है उस विसर्ग का परिवर्तन क्या कर दीजिए आप, रे परिवर्तन कर दीजिए। केवल और केवल विसर्ग का परिवर्तन करना है, उससे पहले वाली जो मात्रा है वो अपनी हूबहू स्थिति में रहेगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वो मात्रा विसर्ग से पहले वाली मात्रा कभी भी परिवर्तन नहीं होगी, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट अब क्या करेंगे हम, आपने क्या कर लिया, रह का आगमन कर लिया, तो दोनों को जोड़ दो, निधन, अब रह आधा है, यहाँ पर आस्वर बैठा है, शब्द क्या बन जाएगा आपका, निराशा बन जाएगा। उसके बाद में देखिए रह आधा फिर जन। अब आपको पता है हिंदी में नियम क्या होता है, जब भी रे आधा मिल जाए किसी भी शब्द में, जब भी रे आधा मिल जाता है तो वो क्या करता है, अपने से आगे वाले के ऊपर चला जाता है, यानी इस तरीके से ये शब्द बन जाता है। आगे देखिए उसके बाद में शब्द क्या बन गया, ये लो जी इस तरीके से ये शब्द बन गया। मैंने क्या कहा, जहाँ भी रे आधा मिले उसको अपने से आगे वाले के ऊपर बिठा दीजिए, और रेफ रे का रूप आप इसको दे दीजिए, तो रेफ रे के रूप में आप उसको पहचान लोगे। और ये जो आशीर्वाद शब्द है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, हर परीक्षा में कहीं ना कहीं शब्द शुद्धि में, रुत्व विसर्ग संधि में कहीं ना कहीं ये पूछा जाता है, शब्द शुद्धि में मिलेगा आपको इस तरीके से, आपको इस तरीके से यह शब्द है वो मिल जाएगा, और यह शब्द क्या हो जाएगा, अपने आप में अशुद्ध हो जाता है। तो आशीर्वाद शब्द आप अगर विसर्ग संधि के दृष्टिकोण से, शब्द शुद्धि के दृष्टिकोण से देखोगे तो आशीर्वाद शब्द है, जिसका रूप ये वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए यहां पर दूधन गति, और हमने रे का आगमन इधर कर दिया है, शब्द क्या बन गया,
आपका शब्द जो बन जाता है वो दुर्गति बन जाता है। उसके बाद में आपको मिल रहा है, वापस वही काम करिए आप, विसर्ग के बाद आप किसके पास जाओगे, दूसरे के प्रारंभ के पास, आप इसके ऊपर तीन नंबर लगाते जाओगे, क्योंकि आपको यहाँ पर जो सघोष वर्ण है वो मिल रहे हैं विसर्ग के बाद में, तो जाहिर सी बात है आपको तीन नंबर लगाना होगा। ठीक है, यहाँ भी आपको उस्वर मिल रहा है, इसका भी क्या लग जाएगा, तीन नंबर। तो विसर्ग से पहले वाले के पास हम जाएंगे, तो यहाँ पर हर्षवी, हर्षवी, हर्षवु, और इसके साथ में आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, हर्षव उ मिल रहा है। अगर ऐश्वर मिलता तो वहाँ पर परिवर्तन आपको क्या करना होता, ओ परिवर्तन करना होता, लेकिन यहाँ पर आपको अन्य स्वर मिल रहे हैं, तो आपका जो परिवर्तन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से रे परिवर्तन हो जाएगा। तो सब में आप क्या कर दीजिए, रे परिवर्तन अच्छी तरीके से कर देना, और एक बार खेत्रपाल जी महाराज की जय बोल देना। ठीक है, तो शब्द क्या बन जाएगा, बहिर्मुखी, क्योंकि रे आता है उसको मैंने पहले से क्या कर दिया, ऊपर बिठा दिया। अब यहाँ पर देखिए शब्द क्या बन जाएगा, बहिरागत, क्योंकि इस रे में जब आ को हम जोड़ेंगे तो जो आ है वो इस रे को क्या कर देगा, पूरा कर देगा, और इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका बहिरागत शब्द है वो बन जाता है। उसके बाद में देखिए यहाँ भी रा है, तो दुरागत शब्द क्या बन जाएगा, यहाँ से ये दुरागत शब्द है वो बन जाता है। नेक्स्ट की बात करूँ हम, तो ऊ स्वर है, हर्ष ऊ है, तो इस तरीके से दुरुपयोग शब्द क्या कर देंगे, हम इसका नोट कर देंगे। इस तरीके से हमने रुत विसर्ग संधि के पहले नियम में हम सीधा सीधा, अगर आपकी विसर्ग दिखाई देती है तो इससे पहले वाले स्वर के पास जाएंगे, तो आपको ऐसे भिन्न स्वर अगर मिलेगा तो आप परिवर्तन इसका क्या करोगे, आप परिवर्तन इसका रे वर्ण कर देते हो। ठीक है, कुछ और उदाहरणों की बात मैं यहाँ आपके साथ करने वाला हूं, तो इन उदाहरणों को आपने नोट कर लिया होगा। और जो साथी मेरे साथ इस लाइव सेशन में देरी से जुड़ रहे हैं उनको बता देता हूं, राजस्थान हाई कोर्ट RDC के लिए हमारी ये क्लास चल रही है, जिसमें हम संधि की लास्ट क्लास 10वीं क्लास हम पढ़ रहे हैं। लेकिन आप इसी यूट्यूब चैनल पर जाके संधि की जो विस्तृत क्लास है वहाँ पर आप देखोगे तो आपको संधि के 30 क्लास मिलेगी, जिसमें मैंने पूरी तरीके से बहुत ही डिटेल से संधि पढ़ाई है। वो भी प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वो भी देख लेना। लेकिन कुछ शॉर्ट करवाने के लिए मैंने इस संधि को 10 पार्ट में करवाया है, तो आप इनको भी अच्छी तरीके से सुनना। नेक्स्ट उदाहरण की बात हम करें, उदाहरणों की बात करें तो कुछ उदाहरण हम बात कर चुके हैं, और बचे हुए कुछ और उदाहरणों पर बात करें। जैसे ज्योति धन में, उसके बाद में जैसे निधन मल, उसके बाद में और उदाहरण की बात करें निधन बल, ठीक है, और जैसे निधन धन, यहाँ से देखिए धनु धन विद्या और आयु धन वेद, और भी उदाहरणों की अगर मैं बात करूं आपके साथ में, जैसे चतुर धन भुज, और देखिए ये सारे जो उदाहरण आपको दिखाई दे रहे हैं, कम से कम मैं 7-8 उदाहरण की पहले भी बात कर चुका हूं, और उसके बाद में ये जो उदाहरण आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको क्या करना है, केवल और केवल विसर्ग देखने के बाद में आप दूसरे के पास जाते हो तो वहाँ पर आपको क्या मिलता है, सघोष मिल रहा है, तीन नंबर लगाते जाइए, सघोष मिल रहा है तीन नंबर लगाइए, सबके साथ आप यही करोगे, अघोष मिल रहा है तो एक नंबर लगाइए, और आपको सघोष मिल रहा है तो तीन नंबर लगाइए। अब आपका काम क्या है, विसर्ग से पहले वाली मात्रा के पास जाते हो तो आपको ई मात्रा मिल रही है, इसमें भी ई है, ई है, और यहाँ भी ई आपको दिखाई दे रहा है। तो मैंने क्या कहा, ए स्वर ए के साथ में विसर्ग आ जाए तो वहाँ पर ओ परिवर्तन करना है, ए से भिन्न आ जाए तो वहाँ पर आपको क्या करना है, रे करना है, तो रे कर दीजिए आप सबके साथ, रे का यहाँ से क्या कर दीजिए, आगमन कर दीजिए, शब्द आपका क्या बन जाएगा, ज्योति, इस रे को आधा लिखेंगे लेकिन इससे
आगे जो बैठा है उसके ऊपर हम इसको शिफ्ट कर देंगे और रेफ रे यहाँ पर हो जाता है। आपको ये ध्यान रखना है, ये जो रे होता है वो आधा होता है और जो पैरों में जो रे होता है वो हमेशा क्या होता है, पूरा होता है, पूरा होता है। जो आदमी पैरों में झुककर रहता है वो हमेशा ही पूरा होता है और जो आसमान में उड़ता है वो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो एक बार आप क्या करिए, खेत्रपाल जी महाराज की जय लिख दीजिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि ये वाली परीक्षा मेरी क्या हो जाए, पास हो जाए। जितने भी परीक्षार्थी जितने भी मेहनत कर रहे हैं सभी मेहनत कश इंसानों को अपना अपना जो लक्ष्य है वो मिल जाए। तो ज्योतिर्मय इसका हो जाएगा, यहाँ से शब्द क्या बन जाएगा, निर्मल बन जाएगा, मल रहित, क्योंकि रहित होता है ये। और इसका क्या बन जाएगा, शब्द बन जाता है निर्बल। यहाँ से इसका शब्द क्या बन जाएगा, निर्धन। क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये अगर ये शब्द उपसर्ग में भी पूछ लिया जाए तो यहाँ पर ये जो उपसर्ग है वो निर उपसर्ग के रूप में गिना जाता है। यहाँ पर देखिए वापस वही कंडीशन है, तीन नंबर, यहाँ से तीन, यहाँ से तीन आपको मिल रहा है। इससे पहले अगर आप मात्रा की बात करते हो तो उ है, यहाँ से भी आपको मात्रा दिखाई दे रही है उ, तो ए नहीं है। तो आप इसका क्या करते जाओगे, रे करते जाओगे और रे को क्या कर दोगे, आप उसे आगे वाले के ऊपर बिठा दोगे। शब्द क्या बन जाएगा, धनुर्विद्या है आपका जो शब्द है वो बन जाता है। यहाँ पर क्या बन जाता है, आयुर्वेद जो शब्द है वो बन जाता है। क्या बन जाता है, आयुर्वेद जो शब्द है वो बन जाता है। यहाँ से ये जो शब्द क्या बन जाता है, चतुर्भुज शब्द बन जाता है। और आपका रुत्व विसर्ग संधि का पहला नियम इसी के साथ पूरा हो जाता है। कुछ नहीं है नियम में, केवल ए विसर्ग, सॉरी ऐसे भिन्न स्वर के विसर्ग के बाद में कोई भी सहगोष आ जाए तो उसका जो परिवर्तन है आप क्या करते हो, रे परिवर्तन करते हो। और पहला पहला सीधा नियम और क्या है, इसका एक छोटा सा ही और नियम है, बिल्कुल छोटा सा नियम, वो क्या है वो मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। तो छोटे से नियम में क्या लिखा गया है वो मैं आपको बता देता हूँ, देख लीजिए आपका दूसरा नियम क्या है। आशा करता हूँ कि आपका पहला नियम अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी से आप यस लिखिए, जल्दी से यस लिखिए, फिर मैं नियम नंबर दो आपको करवा रहा हूँ। और यस यस हाँ जी, मैं अभी आपको नियम नंबर दो करवाने वाला हूँ। तो इसका दूसरा नियम, जैसे दूसरा नियम हम पढ़ लेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारी जो रुत्व संधि है, हमारी जो विसर्ग संधि है वो क्या हो जाती है, इस परिदृश्य से वो आपकी पूरी हो जाती है। पहला नियम तो सीधा था, लेकिन अब आपको ऐसे भिन्न स्वर, ऐसे भिन्न स्वर आपको मिल जाए, उसके साथ में आपको विसर्ग मिल जाए और उसके बाद में अगर आपको वापिस रह मिल जाता है, उसके बाद में आपको वापिस रह मिल जाता है तो आप क्या करने वाले हो, देखिए क्योंकि ये रह क्या है, सघोष वर्ण है और सघोष वर्ण है तो आपको क्या करना है, पहले नियम के अकॉर्डिंग इस विसर्ग का परिवर्तन क्या करना था, रे करना था। लेकिन ये नियम तो कुछ और ही कह रहा है, क्या कह रहा है ये नियम वो देख लीजिए, ये नियम क्या कह रहा है वो देख लीजिए आप अच्छी तरीके से। अब देखिए आपका ये दूसरा नियम इस तरीके से आ जाए, ऐसे भिन्न स्वर के साथ आपकी विसर्ग आ जाए और विसर्ग के बाद में वापिस रे आ जाए तो संधि करते समय आपको क्या ध्यान रखना है, संधि करते समय यहां पर यानी विसर्ग से पहले, नोट कर लेना, विसर्ग से पहले जो मात्रा होगी, जो मात्रा होगी वो दीर्घ हो जाती है। यानी आपको क्या करना है, इस रे की वजह से हिंदी में क्या कहा गया है कि रे के ऊपर कभी भी रे नहीं बैठेगा, तो आप क्या करो, इस रे से पहले वाली मात्रा को यानी इस विसर्ग वाली पहली वाली मात्रा को क्या कर दीजिए, दीर्घ रूप कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। बहुत अच्छे उदाहरण मैं आपको बताने वाला हूँ, उदाहरण से ये बात आपके बिल्कुल आपको समझ में आएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। नियम क्या है आपका, उदाहरण क्या है, निधन रोग, बड़ा ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण उदाहरण है क्योंकि तीनों उदाहरणों को मैं एक साथ लिख रहा हूँ, निधन रव, निधन रस,
ये देखिए ये तीनों उदाहरण है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। ये क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में बात करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आता है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखना कि किस में यानी किस उदाहरण में विसर्ग संधि नहीं है, किस उदाहरण में विसर्ग संधि नहीं है। तो ये देख लीजिए, चार उदाहरण लिख रहा हूँ मैं, नीरस में, दूसरा है नीरज में, तीसरा जो उदाहरण आपको दिखाई दे रहा है नीरव, और चौथा जो आपका उदाहरण होगा वो देखिए निरोग हो जाएगा। कौन सा उदाहरण हो जाएगा? निरोग हो जाएगा। तो आपको ये तीनों चारों उदाहरण देखना है और इस क्वेश्चन का आंसर देना है। मैं ये पूछ रहा हूँ जो चार उदाहरण आपको दिखाई दे रहे हैं कि किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है, नीरस, नीरव, नीरज और निरोग आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको आ रहा है तो आप कमेंट में लिख दीजिए, नहीं तो मैं इन तीनों को महत्वपूर्ण बता ही रखा है मैंने, तो इनको अभी करवाने वाला हूं, ठीक है। अब कैसे सब उदाहरणों की बात करूं, क्योंकि सब में एक जैसी कंडीशन लग रही है, यहां पर नी के बाद में रह, नी के बाद रह, नी के बाद रह, नी के बाद रह। तो आप कहोगे गुरु जी सब में ही इस यहाँ पर उत्तर संधि हमें दिखाई दे रही है, लेकिन इनमें महीन सा अंतर है, वो देख लीजिए इन तीनों उदाहरणों को करने के बाद में। आपको मैं इस सवाल पर वापस लेके जाऊंगा। निधन रोग, नियम क्या था? ऐसे भिन्न स्वर, ऐसे भिन्न स्वर, हाँ जी है। इसके बाद में आपको रे भी दिखाई दे रहा है, तो क्या करना है आपको, इस वाली मात्रा को आपको किस में बदल देना है, इस वाली मात्रा को दीर्घ कर देना, ई छोटी है आपको बड़ी कर देनी है। यहाँ से ई आपका रे मिल रहा है तो ई छोटी है तो आपको ई बड़ी कर देनी है, ई आपको क्या कर देनी है, बड़ी। यहाँ से ई हर्षव है और इसके बाद में रे आ गया तो इस मात्रा को आप क्या कर दोगे, इस मात्रा को आप दीर्घ रूप प्रदान कर दोगे। देख लीजिए कैसे, क्या बन जाएगा, निधन रोग। अब ये शब्द भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, शब्द शुद्धि में ये पूछा जाता है किस तरीके से आता है, ये शब्द मात्रा छोटी करके लिखा जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। तो जिनको पता नहीं है वो तो ये करेंगे कि ये निरोग हमने तो देखा ही नहीं और ये शब्द हमारे व्यवहार में आता है, इस कारण से हम इसको शुद्ध कर देते हैं। लेकिन वास्तविकता में संधि की दृष्टि से अगर देखा जाएगा तो ये वाला जो शब्द है शुद्ध होगा और ये वाला जो शब्द है वो अशुद्ध क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। आगे देखिए इसका क्या हो जाएगा, नीरव, रोग रहित, रव मतलब आवाज, आवाज रहित, नीरस, रस रहित। अब देखिए इन तीनों में तो हमारे संधि का नियम लग रहा है, लेकिन एक शब्द और बच गया नीरज। इस नीरज को मैं क्लियर करवाने की कोशिश करता हूँ। नीरज का तात्पर्य क्या होता है, नीरज का तात्पर्य होता है कमल, कमल। नीरधन जय क्या हो जाएगा, नीरधन जय, यहाँ पर नीर पानी और पानी में जन्मने वाला क्या, कमल। तो इस तरीके से इसमें उदाहरण में नहीं है, यहाँ पर तो नीरधन रोग है लेकिन यहाँ पर निर्धन जय है, तो यहाँ पर इसमें उपसर्ग नहीं है, प्रत्यय है। इस शब्द को मैं बदल भी सकता हूँ कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, इस तरीके से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चार शब्द परीक्षा की दृष्टि से याद कर लेना, इसको अपने भेजे में फिट कर लेना कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो देखिए यहाँ पर नीर उपसर्ग है, नीर उपसर्ग है, नीर उपसर्ग है, यहाँ पर प्रत्यय है, तो आपका दोनों ही कंडीशन में दो नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये समझ में आया या नहीं आया मुझे आप कमेंट में बताइए। उसके बाद में देखिए कुछ और उदाहरणों की बात हम करें, कुछ और उदाहरणों की बात हम करते हैं। देखिए नेक्स्ट उदाहरण है चक्षु धन रोग, चक्षु मात्रा छोटी। उसके बाद में दूधन राज, दो उदाहरण देख लीजिए, फिर और उदाहरण मैं आपको करवाता हूं। यहां पर क्या है, दो उदाहरण मैंने आपको बताए हैं, एक तो देखिए कौन सा उदाहरण,
चक्षुधन रोग, यहाँ से आपका ऊश्वर और उसके साथ में विसर्ग और र रुत्व संधि होगी, लेकिन र के बाद में वापस र हो नहीं सकता, तो आप उस ऊ को क्या कर दोगे, दीर्घ ऊ बना दोगे और शब्द आपका चक्षु रोग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? चक्षु रोग। यहाँ से देखिए दू ऊ धन र के बाद में र वापस आएगा नहीं, तो ऊ को आप क्या कर दीजिए, दीर्घ कर दीजिए, शब्द क्या बना दीजिए, दुर्राज इसका नया शब्द बना दीजिए। और इस तरीके से आपका ये जो रुत्व विसर्ग संधि का जो दूसरा नियम है वो क्लियर हो जाता है, और इसी नियम के साथ हमारी विसर्ग संधि भी कंप्लीट हो जाती है। अब कुछ एक विशेष नियम रह जाता है, और एक विशेष नियम के बाद में कुछ आपके अपवाद बच जाते हैं, उन अपवादों को मैं आपके सामने रखने वाला हूं। और आज हम विसर्ग संधि का स्वाहा करने वाले हैं, और उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम एक बेहतरीन और नया विषय, नया टॉपिक लेके आने वाले हैं। तो अब आप हेडिंग क्या डालोगे, आप विशेष नियम, इसका एक छोटा सा विशेष नियम आपको संधि का वो लिखना है। आपकी विसर्ग संधि यहाँ से पूरी हो जाती है, यहाँ से आपकी जो विसर्ग संधि है वो पूरी हो जाती है। और स्पेशल नियम या फिर विशेष नियम की अगर हम बात करें, छोटा सा विशेष जो नियम है वो है क्या, देखिए सबसे पहले अगर आप नियम लिखोगे तो अगर आपको अहन शब्द के बाद में रे मिल जाए, देखिए नियम सुनिए ध्यान से, अहन शब्द के बाद में कोई भी अगर आपको रे किसी भी कंडीशन में किसी भी स्थिति में आपको रे मिल जाए, तो आपको क्या करना है, इस अहन का क्या कर देना है, अहो कर देना है और शब्द को जोड़ देना है। समझ में आया क्या, अहन शब्द के बाद में आपको रे मिल जाता है, रे वर्ण किसी भी रूप में आपको मिल जाता है, तो आपको इस अहन का क्या कर देना है, अहन का आपको अहो कर देना है और खेत्रपाल जी महाराज की जय बोल देनी है। आगे देखिए उदाहरणों की अगर बात करूं तो अहन धन रूप, चलो एक उदाहरण की बात और कर लेते हैं, अहन धन रात्रि। दो उदाहरण देखिए मैंने क्या बताया है, मैंने आपको यहाँ पर ये कहा है अहन शब्द के बाद में अगर रे मिले तो इस अहन को किस में बदल दो, अहो में बदल दो, और अहो में बदल कर जो दूसरा शब्द है उसको साथ में जोड़ दो और शब्द आपका क्या बन जाएगा, अहो बन जाएगा, और इस तरीके से ये शब्द आपका सही हो जाएगा। यहाँ से देखिए अहन के बाद में वापस रे आ रहा है, तो इसका परिवर्तन आप अहो करोगे और शब्द क्या बन जाएगा, अहो रात्र बन जाएगा। यहाँ पर इस कंडीशन में रात्रि शब्द है वो क्या है, ई की मात्रा अंत में जोड़ते समय क्या हो जाएगी, लोप हो जाएगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जिस प्रकार से प्रतिधन अक्षी में जोड़ते टाइम अक्ष बच जाता है, उसी प्रकार से अहन धन रात्रि में जोड़ते टाइम रात्र शब्द बच जाता है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। इसका एक छोटा सा दूसरा नियम और क्या है, अहन के बाद रे से भिन्न वर्ण आए तो आपको क्या करना है, इस अहन का अहर कर देना है। क्या करना है, दोबारा से सुन लीजिए, अहन के बाद में अगर यहाँ पर तो रे आ गया लेकिन रे से कोई भी भिन्न वर्ण आ जाए तो आपको इस अहन का क्या करना है, इस अहन का अहर कर देना है। अहन का अहर करोगे तो शब्द किस तरीके से आपका बन जाता है वो देख लीजिए, यहाँ पर शब्द क्या है आपका, अहन धनपति, ठीक है, शब्द क्या है आपका, अहन धनपति। नेक्स्ट और देख लीजिए आपका अहन धन मुख। दो धन से तो आपकी बात समझ में आ जाएगी, मैंने क्या कहा, अहन के बाद में अगर रे से कोई भी भिन्न वर्ण आ जाए तो आपको क्या करना है, इस अहन को क्या बना दोगे, आप अहर बना दोगे, और अहर बनते ही आप इसमें जोड़ोगे तो ये आधा है, और आधे को आप क्या करते हो, अपने से पहले वाले के ऊपर लिख देते हो, तो शब्द क्या बन जाएगा आपका, ये अहर पति शब्द है वो बन जाता है।
नेक्स्ट देखिए अहन आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद में आपको क्या मिला, रह से भिन्न मिला, तो इसका परिवर्तन आप क्या करोगे, अहर करोगे और आपका शब्द क्या बन जाएगा, अहरपति शब्द है, सॉरी अहर मुख शब्द है वो बन जाता है। तो ये था अहन के नियम। एक उदाहरण और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, इसका एक अच्छा सा उदाहरण बता देता हूँ। अहन धन निशा, अहन धन निशा, निशा रात्रि को कहा गया है। मैंने क्या कहा, अहन के बाद में अगर आपको रह से भिन्न वर्ण मिले तो अहन का आप क्या कर दो, अहर कर दो, और अहर कर दोगे तो शब्दों को दोनों को अच्छी तरीके से आपको क्या करना है, जोड़ दोगे और शब्द आपका क्या बच जाएगा, अहर निश। यहाँ पर भी निशा को जोड़ते टाइम में आक क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, शब्द क्या बन जाता है, निश बच जाता है। ये था एक विशेष नियम जो हमने पढ़ा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ जो आपके कुछ अपवाद बच जाते हैं, उन अपवादों को मैं यहाँ से आपको क्लियर करवाने वाला हूँ। तो यहाँ तक आप नोट करिए इस अहन के नियम को। अब बात करेंगे जो हमारे संधि के जो अपवाद बच जाते हैं, उन अपवादों की बात हम करेंगे, और क्योंकि बहुत बार उन अपवादों से क्वेश्चन पुट अप हो जाता है, तो आज की इस लास्ट क्लास में हम अपवाद के बारे में बात करने वाले हैं, और जो नेक्स्ट क्लास आपकी रहने वाली है वो आपके सिलेबस में समास का जो टॉपिक लगता है, समास के टॉपिक को हम कम से कम 2 या 3 या 4, मैक्सिमम 4 वीडियो में हम समास के टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। हेडिंग आपको क्या डालनी है, संधि के अपवाद। हेडिंग आपको क्या डालनी है, संधि के अपवाद, क्योंकि अपवाद उनको क्यों कहा गया है। हम जितने भी अब नियम पढ़ेंगे उन नियमों में से कुछ ऐसे शब्द होंगे जो नियमों को क्या करेगा, फॉलो नहीं करेगा, तो इस कारण से हमारे जो सवाल है वो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो पहला अपवाद यहाँ से देख लीजिए आप, अपधन अंग, ठीक है। ये जो शब्द आपको दिखाई दे रहा है इसमें आपको ये जो धन का निशान है उससे पहले आपको ऐश्वर और उसके बाद में भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऐश्वर आपको दिखाई दे रहा है। तो जब हमने ए के साथ में एस स्वर को पढ़ा था तो यानी दोनों समान स्वर आ जाए तो संधि करते समय जो इनका परिवर्तन होता है वो क्या हो जाता है, दीर्घ स्वर संधि, यानी इसका दीर्घ रूप हो जाता है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या थी, आ बनना चाहिए था, लेकिन ये शब्द क्या बन जाता है, अपंग बन जाता है। यहाँ पर परिवर्तन कुछ भी नहीं होता और सीधा सीधा जोड़ दिया जाता है, तो यह जो शब्द है वो दीर्घ स्वर संधि का यहाँ से क्या है, ये अपवाद है। दूसरे उदाहरण की अगर हम बात करें, पतत धन अंजलि, दूसरा जो उदाहरण है वो आपका पतत धन अंजलि है। यहाँ से देखिए आपका तय हलंत है और तय हलंत के बाद में आपका ऐश्वर आ रहा है, विशेष नियम नहीं लग रहा है, लेकिन जब भी यहाँ पर आए तो व्यंजन संधि बननी चाहिए थी, लेकिन जोड़ते टाइम ये शब्द क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका नंबर 3 लगेगा, यहाँ से 3 नंबर लगेगा, इसको 3 नंबर करते हुए आपको इस तय को दय में परिवर्तन करना था, लेकिन ये शब्द क्या बनता है, पतंजलि बन जाता है, यानी क्या हो जाता है, इस तय का लोप हो जाता है और ए और ए सीधा क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। अर्थात मैं यहाँ पर कहूँ तो ये आपका जो व्यंजन संधि का जो अपवाद है वह हो जाता है। नेक्स्ट अपवाद की अगर बात हम करें तो तीसरा जो अपवाद आपका आता है वो सार धन अंग, क्या आता है, सार धन अंग। यहाँ से देखिए ए के बाद में ए क्या होना चाहिए थे, आ होना चाहिए था, लेकिन जोड़ते टाइम ये क्या हो जाता है, सारंग हो जाता है, दीर्घ स्वर संधि का यह अपवाद यहाँ से हो जाता है। तो इस तरीके से सारंग नहीं बनेगा, ये सारंग शब्द बन जाता है। आगे और बात मैं कर देता हूँ। नेक्स्ट देखिए आपका उपधन दिष्टा, यानी यहाँ पर आपको ये जो स्वर दिखाई दे रहा है लेकिन आगे आपको व्यंजन दिखाई दे रहा है, व्यंजन होना चाहिए था, यानी यहाँ पर ए के बाद में आपको द दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर व्यंजन संधि का नियम लगना चाहिए था, लेकिन ये शब्द क्या बन जाता है, उपदेष्टा बन जाता है। यहाँ पर ये जो है आपका व्यंजन संधि का ये जो अपवाद है वो हो जाता है। और उदाहरणों की अगर बात करूँ जो ज़्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है उसको मैं बताता हूँ, अक्ष प्लस ओहिणी,
अब देखिए, अगर नियम से इस उदाहरण की अगर मैं बात करूं आपके साथ में, अगर नियम से इस उदाहरण की अगर आपके साथ बात करी जाएगी, तो यहां पर आपका ए स्वर और ऊ स्वर और ए या आ के बाद में ई ई ऊ ऊ और री मिलता है, तो वहां पर गुण संधि होती है और इनका परिवर्तन क्या होता है, ओ होता है। लेकिन यहां पर इसको जैसे ही जोड़ेंगे ओ के स्थान पर ये क्या हो जाता है, औ हो जाता है, शब्द आपका अक्षौ हुणी हो जाता है, अर्थात यह गुण संधि का अपवाद है और यहां पर हमने वृद्धि संधि कर दी है। बिल्कुल समझ में आ रही होगी बात। आगे और देखिए एक उदाहरण आपका गोधन इंद्र, क्या है आपका जो शब्द है वो गोधन इंद्र है। देखिए यहां पर आपको ओ, यहां से आपका ई, प्रथम शब्द के अंत में अंतिम चार ए ऐ ओ औ और उसके बाद में कोई सा भी स्वर आए तो वहां पर अयादि संधि का नियम लगता है, ओ औ में परिवर्तन हो जाता है, ओ औ में परिवर्तन हो जाता है और ये मात्रा क्या हो जाती है, इसमें जुड़ जाती है। लेकिन ये शब्द क्या बनेगा, गविंद्र बनेगा, है तो इसी का, यहां से अव तो बना दिया लेकिन क्या किया है, इस ई की वजह से यहां पर ए परिवर्तन कर दिया, यहां से ये अपवाद में गिना जाएगा। और एक उदाहरण जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, यहां पर मैं यहां लिख रहा हूं प्रधन ऊड, क्या प्रधन ऊड, यहां पर देखिए ए, यहां से ऊ गुण संधि के लिए ओ करना चाहिए था लेकिन जोड़ते टाइम इसमें क्या हो जाता है, वृद्धि संधि हम कर देते हैं और शब्द आपका क्या बन जाता है, प्रौढ़ बन जाता है। इसी के साथ हमारा ये जो अपवाद वाला जो नियम था, मामला था, वो भी यहाँ पर क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो सारे मिलकर एक बार बड़े नाद से जयकारा लगा दीजिए, बोलो खेतरपाल जी महाराज की जय हो, और संधि की भी हमने क्या कर दी है, जय कर दी है। इसी के साथ आज की कक्षा को हम, रात के 9 बजे वाली कक्षा को हम अभी विराम देने वाले हैं। आज हमने क्या पढ़ा है, विसर्ग संधि के रे का नियम हमने पढ़ा और रे के नियम के साथ में हमने कुछ विशेष नियम के साथ साथ हमने अपवादों की बात की है। इन अपवादों में हल्के में मत लेना, आपसे बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत सारे साथी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए थे और बड़े आनंद से, बड़े मनोयोग से, बड़े तन्मयता से आप इस क्लास का आनंद ले रहे थे। तो लास्ट तक जुड़ने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। हमारी जो मेहनत है दिनों दिन निरंतर ला रही है आपके सहयोग से, और ये साल जाते जाते हमारा जो चैनल है वो अंतिम पड़ाव में पहुंचने वाला है। आप सबका प्यार, आप सबका स्नेह इसी तरीके से बना रहे, यही मैं आपसे आशा करता हूं। तो अब आपसे मैं विदा चाहता हूं, आप सबको शुभ रात्रि, सब्बा खैर, और आपकी तैयारी जो अच्छी चल रही है उनको और भी अच्छी बनाए, और भी बेहतर बनाए, यही मैं मैसेज या यही मैं संदेश देना चाहूँगा। तो आपसे विदा चाहूँगा, गुड बाय, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।